2019 में सोनी लिव पर एक सीरीज आई थी जिसका नाम था गुल्लक। फिर इसका सेकेंड सीजन आया 2021 में। दोनों सीजन्स इतने पॉपुलर हुए कि इसके तीसरे सीजन की डिमांड होने लगी और सारी शिकायतों को दूर करते हुए इसका तीसरा सीजन भी आज आ गया। मिडिल क्लास फैमिली के मिडिल क्लास जरूरतों और छोटी छोटी चीज़ों को एक धागे में पिरोने वाली ये सीरीज कैसी है, इसे देखना चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। जिन लोगों ने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी उन्हें बता दें कि गुल्लक की कहानी है मिश्रा परिवार की। मिश्रा परिवार जिसमें चार लोग हैं, एक ईमानदार पिता संतोष मिश्रा जो बिजली विभाग में क्लर्क है, ईमानदारी से ऑफिस आता जाता है, यूनियन के चक्कर में फंस कर कभी वक्त बर्बाद नहीं करता, सरकार के खिलाफ नारे लगाते लोगों को देख संतोष की ये बात उसकी सोच दर्शाती है जब वो कहता है करना धरना कुछ नहीं, खाली धरना करना है। परिवार की दूसरी सदस्य है एक माँ, इन्हें घर की मुखिया कह सकते हैं, रूठ जाए तो पूरा मिश्रा परिवार हैरान परेशान सा हो जाता है। स्वभाव में जरा संकोची है मगर अपनी बात रखने में कभी पीछे नहीं हटती। फिर चाहे फुर्तीली के रिश्ते को ना कहलवाना हो या घर में शांति पाठ की पूजा, शांति देवी पूरे घर की जान है। तीसरे मेंबर हैं अनु मिश्रा जो पहले सीजन में SSC निकालना चाहते थे मगर नहीं हो पाया। दूसरे सीजन में वो गैस की एजेंसी लेना चाहते थे, वहां भी बात नहीं बन पाई। अब तीसरे सीजन में MR यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, वो जो डॉक्टर्स के पास जाकर दवाइयों के सैंपल दिखाते हैं, हाँ वही। वैसे अनु मिश्रा की तीनों सीजन की जर्नी हमारे देश की ही एक तस्वीर दिखाती है। यंग टैलेंटेड लड़का जो मेहनत खूब करता है मगर उसे नौकरी नहीं मिलती, फिर अपना काम शुरू करना चाहता है मगर वहाँ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, फिर सरकारी दफ्तर में बाबू बनकर काम करने का सपना देखने वाला युवक दिन भर इधर उधर घूमकर प्राइवेट नौकरी करता है। फिर आते हैं इस परिवार के चौथे और सबसे छोटे मेंबर यानी अमन मिश्रा पर। 10वीं के टॉपर हैं मगर पढ़ाई से उनका मन उचट गया है। परिवार वाले उन्हें साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं जिसके लिए मशक्कत चलती ही रहती है मगर अमन का मन कुछ और ही करने का है। तो कुल मिलाकर ये छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, ऐसे परिवार की कहानी जो AC का टेम्परेचर इसलिए नहीं घटाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बिजली का बिल बढ़ जाएगा, जो अपने बेटे की पहली सैलरी मांगने में झिझकते हैं। एक ऐसे बेटे की कहानी है जो अपने शौक को अपने छोटे भाई की एडमिशन फीस के लिए किनारे लगा देता है। गुल्लक 3 रोजमर्रा के ऐसे ऐसे टॉपिक्स को छेड़ती है कि आपको लगता है ये तो आपके परिवार में भी हो चुका है, शायद इसलिए आप पूरी सीजन खुद को इससे कनेक्ट रख पाते हैं। एक्टर्स और उनकी एक्टिंग आपको बांधे रखेगी। शुरू से शुरू करते हैं। इस सीजन में अटेंशन संतोष मिश्रा ले गए, संतोष मिश्रा यानी जमील खान। जमील को इससे पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर और रामलीला जैसी फिल्मों में देख चुके हैं, वहां उनका रोल काफी इंटेंस था मगर गुल्लक में उनकी कॉमिक टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी हिट करती है। शांति मिश्रा का रोल निभाने वाली गीतांजलि कुलकर्णी ने इस बार भी अपने कैरेक्टर को बिल्कुल ठीक पकड़ा है। फुर्तीली के सामने जब वो अपने स्कूल के क्रश पर बात करती हैं तो उन दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल माँ बेटी जैसी दिखती है। अमन और अनु का रोल निभाने वाले वैभव राजगुप्ता और हर्ष मायर का काम भी अच्छा है, उन दोनों ने भी अपने रोल को पूरी तरह जस्टिफाई किया है। इस सीजन जिन्हें सबसे ज्यादा मिस करेंगे वो हैं बिट्टू की मम्मी यानी सुनीता राजवर। उन्हें सीजन में स्क्रीन टाइम काफी कम मिला, आप उन्हें स्क्रीन पर और देखना चाहते हैं मगर अफसोस ऐसा नहीं होता। संतोष मिश्रा और उनके बीच की नोकझोंक आप इस सीजन में जरूर मिस करेंगे। राइटिंग इज द किंग, बाकी दोनों सीजन की तरह इस सीजन की राइटिंग कमाल की है। दुर्गेश सिंह के लिखे पंचेस और टैगलाइंस रेलिवेंट और बिल्कुल सटीक हैं। उनकी राइटिंग की खास बात यह है कि वो आम नागरिक की बात स्क्रीन पर ले आए हैं, वो बात जो हमेशा से एक मिडिल क्लास वर्ग कहना चाहता है। यहाँ कुछ लाइंस का जिक्र करना जरूरी है, जैसे episode 1 में अमन के एडमिशन के वक्त उसकी फीस का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए संतोष मिश्रा कहते हैं स्कूल है कि संसद, जब मन किया बिल बना के आम आदमी की जेब काट ली, या वो कहते हैं पढ़ाएं भी हम और कटवाएं भी हम। शांति मिश्रा भी तीसरे एपिसोड में एक बहुत छोटी मगर बहुत मीनिंगफुल लाइन कहती हैं। एक सीन में संतोष कहते हैं कि उनके पास फुर्तीली की शादी तोड़ने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। इसी बात पर शांति कहती हैं हमारी लड़की को डाउट है, जब लड़के को डाउट होता है तो उससे पूछते हैं क्या। कुल मिलाकर 5 एपिसोड के इस सीजन में राइटर ने हर उस पहलू को छूने की कोशिश की है जो किसी ना किसी तरह आम आदमी से जुड़ा हुआ है।
फिर चाहे वो खुश होकर परिवार वालों और पड़ोसियों के साथ खाने पर बाहर जाना हो या बचपन के दोस्त की बेटी की शादी करवानी हो, गुल्लक के सीजन की राइटिंग ही है जो आपको पूरे टाइम बांध कर रखती है। आप चाहे तो भी इसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं देख सकते, दिल में ये फीलिंग आती है कि कहीं कोई मस्त लाइन ना छूट जाए। डायरेक्शन की बात करें तो इस सीजन को पलाश वासवानी ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने साल 19 में आई चीज केक को भी डायरेक्ट किया था। पलाश का काम ठीक ठाक है। कुल मिलाकर ये एक स्वीट और लाइट सीरीज है जिसका असर बहुत गहरा पड़ जाता है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देखिए। सिर्फ यही नहीं, इसके पुराने दोनों सीजन्स भी जरूर देखिए। गुल्लक के दूसरे सीजन का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आपके लिए खबर लिखने में मुझे बहुत मजा आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो देखकर मजा आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। शुक्रिया।